नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सभ्य साहूणम मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादिमान कर मंगल करनो ग्रंथ करण को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज वीरम अनंत वर्णान दर्शन सहावम ओछामिडियम सारम केवलीश केवली तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो शाम प्रकाश गुरुदेव ने तीन बातें बताई अभी तो शुद्ध पर्याय एक अशुद्ध पर्याय जिसके अंदर शुभ भाव और अशुभ भाव हो सकता है और एक मिथ्यात्म भाव मैं पर का करता हूं ये मिथ्यात्म बराबर मैं पर को जानता हूं ये शुभ भाव में ले सकते व्यवहार में ये व्यवहार है क्योंकि भेद पड़ गया पर को जानता हूं ये भेद पड़ गया और जानते हुए भी अपने में रहता हूं और वो रहता हूं ये कथन नहीं ये विकल्प नहीं ये दोनों तो बाह्य और अंतर जल्प है ऐसा वेदन कि यही मैं हूं उस समय ये भी विकल्प नहीं कि बाह्य कुछ है जिस समय ये कि मैं बाह्य को जानता हूं वो स्वभाव है लेकिन बाह्य को पर को जानता हूं वो भेद हो गया वो व्यवहार हो गया जानता हूं ये वो जानता हूँ ये भी नहीं वो जानने का कार्य स्वयं सत्य मैं पवन हूँ इसको विकल्प करना पड़ता है क्या ये है तो ठीक ना मैं पवन हूँ मैं सचिंदर नहीं हूँ मैं लोहड़िया नहीं हूँ लेकिन क्या मैं पवन हूँ ये विकल्प सोते में भी करना पड़ता है निर्विकल्प है इसमें इसमें निर्विकल्प है कि मैं पवन हूँ सोते में बेहोशी में भी टिक टिक करे पवन पवन बोले तो आँख हिलाए तो निर्विकल्प रूप से ये स्वीकार है कि मैं ही पवन हूँ इसी तरह से निर्विकल्प रूप से जानने का विकल्प निश्चय नहीं है बराबर वो सत्य होते हुए भी वो पक्ष हो जाएगा जानना होता है वो स्वभाव है उसमें स्वभाव में विकल्प नहीं है
मैं सुबह सुबह की बात ही कर रही और मैं पर को जानता हूँ, पर व्यवहार और को भी सिर्फ जानने तक रहा तो, कथन में भी जानने तक रहा तो, और जानकर जो इष्ट अनिष्ट माना और उसका मैं राग द्वेष किया और करता हूँ तो वो मिथ्या हो गया। जानने के अभिप्राय में इसके अंदर में खोट पड़ी है कि मेरे को जो आनंद आएगा, जो सुख मिलेगा, इसी से मिलेगा, इसलिए बार बार ये कहता कि मैं और को जानता तो हूँ। खोट अंदर वो में जो सुख की बात थी भाई जी, वो यहाँ पे शायद आपके पीछे चली। एक तो 206 का थली थी और नियम सार के दो कलश लिए थे जिनमें जिसमें स्पष्ट आया था स्पष्ट कि वो सुख का अनुभव जो है मेरे में सुख, जो सुख भरा है वो पर्याय में स्वयं सते अपने काल में अपने उस समय की योग्यता से सुख गुण की पर्याय से प्रकट होता है, सुख गुण की पर्याय में प्रकट होता है। उस सुख को लाऊं ये हो नहीं सकता, पूछना भी नहीं है, वहां तो लिया था ऐसा पूछना भी नहीं। 206 में कहा है किसी से क्यों पूछता है, तुझे पूछना ही नहीं पड़ेगा, तुझे स्वयं सते ही ऐसा चिरमात। उसमें आता है ना भैया जी 142 का था कि बात समझ सार की 20 कलश चित चमत्कार वास्ता है वहाँ पे हर एक में तो पक्ष लिए। भाई जी मैं नित हूँ या नित हूँ, क्या हूँ नित हूँ ना, एक हूँ या अनेक हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ। तो वहां पे कहा है ये पक्ष है, मैं तो पक्षातिक्रांत हूं, पक्ष का उल्लंघन करे तो समय का सार है। पक्ष से अतिक्रांत भासित वो समय का सार है। अभी क्या हुआ, जो अनादिकाल से मैं अनेक हूं ये माना था, उसे छोड़कर मैं एक हूं इस पक्ष में आ गया। व्यवहार के पक्ष को छोड़कर निश्चय के पक्ष में आ गया, रहा पक्ष में, रहा विकल्प में, मैं एक हूं ये सत्य होते हुए भी ये विकल्प जो है वो पक्ष है, ये आकुलता का उत्पन्न करने वाला है। जिसे 144 का आता में भी कहा कि श्रुत ज्ञान की आकुलता को उत्पन्न करने वाले समस्त पक्षों को त्याग कर समस्त पक्ष में एक हूँ, ये आपका बिल्कुल ठीक है एक हूँ, लेकिन एक कथन में और विचार में मैं एक नहीं हूँ, मैं तो हूँ। जब मैं हूँ तो एक हूं तो हूं, आप मेरी बात समझिए, जब एक हूं तो हूं, तो अनेक हूं तो मैं हूं नहीं हूं, फिर तो बहुत चीजों का एक पिंड हो गया। जब एक हूं बस उसी के अंदर सत, सत के अंदर वो सत कब है जबकि वो एक है, जो सत है वो शुद्ध कब है जबकि वो एक है, एको अहम शुद्धो अहम, अहम एको खलु शुद्धो, 38 और 72 का था मैं, तो 73 अहम एको खलु शुद्धो, तो मैं
शुद्ध हूँ वास्तव में तो वो शुद्ध क्यों हूँ? क्योंकि मैं एक हूँ। अगर मैं पर से मिल गया, मिश्रित हो गया, चाहे जड़ चेतन से मिल गया तो जड़ भी अशुद्ध हो गया, जबकि कीमती चीज से मिल गया। भाई जी दूध और पानी, बिल्कुल बिस्लरी का दूध की कीमत वाला पानी डाल दिया तो वो दूध शुद्ध रहा या अशुद्ध रहा? अशुद्ध हो गया। वो पानी शुद्ध रहा या अशुद्ध हो गया? जबकि उसमें तो दूध डाला था। सोने और चांदी को मिला दिया तो सोना शुद्ध रहा या शुद्ध हो गया? और चांदी शुद्ध रही क्या? नहीं। एकत्व निश्चय एकत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, जब एक पना है जब तक, तब तक सुंदर है, शुद्ध है। उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व में, जो एकत्व से अलग कथा है, जहां द्वे का मिलाप है, वो विरोधी कथा है। तो ये प्रैक्टिकल में तो अपने को वो अभी वेद विज्ञान के रूप में अपने को अलग अलग मानना ही पड़ेगा ना, विकल्प रूप में जब आएगा, जब वो होगा। दो चीज है, एक वास्तविकता क्या है और एक मेरी मान्यता क्या है, और मान्यता से वास्तविकता तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है। टीचर हो गए ना, तो मैं एक हूं ये ठीक है, मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, त्रिकाल शुद्ध हूं, ये ठीक है। मान क्या रहा हूं, मैं पवन हूं, आंख नाक कान वाला हूं, स्त्री पुत्र मकान आदि मेरे हैं, ये मान रहा हूं। यहां से मां तक जाने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैं उस प्रोसेस में उस पक्ष का एक पार्ट बन जाता हूं। कोर्ट में एक वादी है, एक प्रतिवादी है, मैं स्वयं वादी हो जाता हूं। मैंने ये पक्ष तो छोड़ दिया कि मैं अनेक हूं, और इस पक्ष को पकड़ के बैठ गया कि मैं तो एक हूं, मैं तो जो हूं मैं हूं, मैं तो चित चेतन चमत्कार मात्र हूं। चित चमत्कार शब्द पड़ा हुआ है उन 20 श्लोकों में, मैं तो बस हूं। मानना तो पड़ेगा, ये विकल्प आया। अगर उस विकल्प को छोड़कर निर्विकल्पता में आए तो उस विकल्प को भी सार्थक कहने में आएगा, और उस विकल्प में खड़ा रह गया, पड़ा रह गया, उसे छोड़ नहीं पाया, तो वो विकल्प घातक हो जाएगा। आपने सिर्फ बाहर के काम भोग की कथाएं छोड़ करके जिनवाणी सुनने लगे, लेकिन इस पक्ष में पड़ गए। इसे भी छोड़कर आत्मानुभव करना था। मैंने वो तो बदल दिया नजरिया, विषय तो बदल दिया, नजरिया नहीं बदला, विषय बदल दिया। पहले मेरे ज्ञान का स्वाध्याय का विषय काम भोग की कथाएं थी, अब मेरी प्रवृत्ति उन कथाओं से हटकर इस विषय में आ गए, लेकिन ये विषय नहीं छूटा, मुझे विषय छोड़ना है। मैं इस सब से अलग चेतन चमत्कार हूं, इसमें शास्त्र का अवलंबन नहीं है। जब पहली भूमिका में अवलंबन आता है, आपने ठीक कहा, देव शास्त्र गुरु का भी जब तक उनको क्या कहा है 31 खाता में, इंद्रिय के विषय, उन्हें इंद्रिय में लहा, द्रव इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, इन तीनों को इंद्रिय कहा, जड़ कहा, अचेतन कहा, अपने से भिन्न कहा।
और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ में द्रविंद्रिय और भाविंद्रिय के विषयभूत पदार्थ में मूर्त अमूर्त सब हो गए और उसके अंदर द्रव शास्त्र देव शास्त्र गुरु अरहंत परमात्मा वो सब के सब इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हो गए। इसको मैं अतींद्रिय ज्ञान से जान रहा हूँ या इंद्रिय ज्ञान से जान रहा हूँ? अगर अतींद्रिय से जानना हो तो फिर आनंद आना चाहिए ना अतींद्रिय का। वर्तमान में अतींद्रिय ज्ञान है क्या? वर्तमान में जो भी वो है ज्ञान मेरा, लेकिन वो इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्त रहा है। क्योंकि मुझे कौन सा ज्ञान है? मति, और श्रुत तो मति पूर्वक हुआ। वो श्रुत वो मति ज्ञान पांच इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान से तो संभावारिक प्रत्यक्ष कहना चाहो तो कह लो, किसी अपेक्षा से कहें, लेकिन प्रत्यक्ष तो नहीं है, परोक्ष ज्ञान ही है। अतींद्रिय ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान स्वयं में अतींद्रिय है, लेकिन मैं उस अतींद्रिय ज्ञान का वेदन नहीं कर रहा, जान रही रहा। मैं इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ज्ञान से जान रहा हूँ। वो ज्ञान मेरा स्वभाव है, वो ज्ञान इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। जैसे अभी गुरुदेव ने कहा था कि व्यवहार न के बल से केवल मतलब केवल ज्ञान में तो स्पष्ट झलक रहा है, शुद्ध है, परंतु व्यवहार न के बल से ऐसा बोलने में आ रहा है, बोलने में आ रहा है। ज्ञान का उपयोग तो शुद्ध ही है। ज्ञान का उपयोग शुद्ध है, ज्ञान कभी विकारी हुआ ही नहीं है, बंधन का विकार। लेकिन मैं उस ज्ञान तक नहीं, वो किस समय जब वो ज्ञान स्वयं को जाने तब ना, तब उसका स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव खिले। मैं केवल पर को ही लक्ष्य बनाकर, तो उसके अंदर पर कैसा है? मूर्तिक है। मूर्तिक को मूर्तिक से ही जाना है, अमूर्तिक को जानने के लिए अमूर्तिक अतींद्रिय ज्ञान चाहिए। एक बार उसको जाना तो वो सब स्वयं और पर दोनों अतींद्रिय ज्ञान के विषय बन जाएंगे। नहीं बना रहा, मैं पक्ष में रुक जाता हूँ। ये देखो, मैंने शायद एक दिन और भी कहा था, आगे कहा था इस समय सार में, सेटिका वाली गाथा कहलाती है, बस आइए ज्ञान में चूने वाली। उसमें कहा है सेटिका, सेटिका यानी खड़िया मिट्टी, चूना वाइट जिससे पुताई करते कलई करते, वो अपने श्वेत स्वभाव से परिपूर्ण है और उससे श्वेत की जाने वाली दीवाल अपने दीवाल के स्वभाव से परिपूर्ण है। दीवाल खड़िया के स्वभाव से नहीं है और खड़िया दीवाल के स्वभाव से नहीं है, लेकिन कथन में आता है कि सेटिका से दीवाल सफेद की, ठीक है, दीवाल सफेद नहीं की, दीवाल उस समय भी वैसी थी। वो जो दिखाई दे रही है सफेद, वो खड़िया है। समय सार में गाथा में आए भाई जी, सब्जी खाई आपने, कहा नमक सब्जी खारी कर दी, सब्जी खारी हो गई, दाल खारी कर दी। तो दाल तो उस समय दाल है, खारा उस समय भी नमक है, लेकिन मुझे दोनों की भिन्नता का भास न होने पर मैं दाल को खारी मानता हूँ। दाल खारी नहीं है, नहीं। नमक खारा है, उस समय भी दाल। वो जो उसमें कहा है ना कि जो कमलनी के पत्र के पास कमलनी पानी में डूबी हुई है, ये सत्य है, ये सत्य है, लेकिन उसके निकट जाके देखो, यानी निश्चय तक के पास जाके देखो, तो जल ने कमलनी को स्पर्श किया ही नहीं है, छुआ ही नहीं है। इसी तरह ये जो पक्ष है उसमें आगे आता है भाई जी,
तो वो सेटिका दीवाल की नहीं है, तो सेटिका, सेटिका यानी खड़िया किसकी है? तो आचार्य देव लिखते हैं अमृतचंद जी, वो सेटिका सेटिका की है। तो फिर खुद ही प्रश्न करते हैं, ये सेटिका से भिन्न कौन सी सेटिका है जिसकी ये सेटिका है? सेटिका सेटिका की है, तो सेटिका की है तो वो सेटिका इस सेटिका से भिन्न हो गई ना, दो सेटिका हो गई ना, कि ये सेटिका इस सेटिका की है, समझ गए ना भाई जी? ये सेटिका इस सेटिका से भिन्न वो कौन सी सेटिका है जिसकी ये सेटिका है? ऐसी तो कोई सेटिका नहीं है। तो फिर क्या है? बोले स्वयं स्वामी संबंध है। क्या? मैं आत्मा स्वामी और ज्ञान मेरा स्वयं। पर इतना आत्मा का ज्ञान ये व्यवहार हो गया, ये सद्भूत व्यवहार हो गया। ज्ञान है लेकिन वो सद्भूत हो गया, भेद पड़ गया। आत्मा का ज्ञान, आत्मा आंख से जानता है, ये तो असद्भूत हो गया। और आत्मा ज्ञान से जानता है, ये व्यवहार हो गया, सद्भूत हो गया, है अंदर लेकिन वो भेद हो गया। तो आत्मा से अलग ये वो कौन सा ज्ञान है जिसका ये ज्ञान है? तो कहते नहीं, कोई नहीं, इन दोनों में स्वयं स्वामी संबंध। तो फिर उसमें प्रश्न किया आचार्य ने, इस स्वयं स्वामी संबंध से क्या लाभ है? तो आचार्य ने उत्तर दिया, कोई लाभ नहीं। तो वह फिर क्या है? सेटिका है। सेटिका सेटिका की नहीं, सेटिका है। ज्ञान बस ज्ञान है, वो ज्ञान, वो ज्ञान ही मैं हूं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। ज्ञान से अलग में कुछ हुई नहीं, ज्ञान ही रूप है मेरा, चेतन ही रूप है मेरा, इसके अलावा मैं कुछ हुई नहीं। लेकिन मैं चेतन वाला हूं, तो वो चेतन से अलग वो कौन सा चेतन है जिसका कि ये चेतन वाला है? कहते ना उसमें शास्त्र में उदाहरण आया भैया, एक तो कहते हैं डंडे वाला, एक डंडम दंडी, दंडिस मई, मैं ज्ञान मई हूं, ज्ञान वाला नहीं हूं। वाला तो वो कहलाएगा जो कहीं से आके पड़ा हो, ग्रहण किया हो अलग से, वो वाला है। ये मेरा स्वभाव है, वाला नहीं हूं, ज्ञान मई हूं, सुखमय हूं, आनंदमय हूं, एक रूप हूं, इतने होते हुए भी एक रूप हूं। सचिंद्र जी, इतने अनंत गुणों वाला होता हुआ भी एक रूप हूं, अभेद हूं, अखंड हूं, निर्भेद हूं, निर्ममत्व हूं, एकत्व हूं, अनंत आदि से प्रयोजन सिद्ध है। एक नंबर छपे आदि से जितने भी इष्ट पद हैं, इष्ट जिनसे मेरी प्रयोजन की सिद्धि हो, वो इष्ट उनसे मेरा प्रयोजन की सिद्धि कैसे है? आप इनको परमिष्ट कहते हो, परमिष्ठी कहते हो, तो ये परम इष्ट हुए, तो इनसे मेरे प्रयोजन की सिद्धि भी परम यानी उत्कृष्ट रूप से होनी चाहिए, तब इनको परमिष्ठी संज्ञा लागू पड़ेगी। तो ये परमिष्ठी मेरे प्रयोजन को साधने में कैसे इष्ट हैं, ये चर्चा यहाँ चलती है। पुनश्चय इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंत आदि द्वारा होती है। किस प्रयोजन की सिद्धि?
कहाँ लिखा है? चर्चा करके आ रहे हैं। इसके ऊपर पैरे में पूरी बात आई तो आपको जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो दुख का विनाश हो उस कार्य का नाम प्रयोजन है। मेरा प्रयोजन क्या है? सुख की उत्पत्ति हो दुख का विनाश हो। विनाश हो मतलब दुख उत्पन्न ना हो, उसी का नाम विनाश है। और जिसके द्वारा इस प्रयोजन की सिद्धि हो वही इष्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर कहते हैं पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि अनंत द्वारा होती है। कौन से प्रयोजन की सिद्धि? सुख की उत्पत्ति के और दुख के ना होने के, इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंत आदि के द्वारा, अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु और परंपरा से ज्ञानी महात्माओं के द्वारा, और कहें तो देव शास्त्र गुरु के द्वारा इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। किस प्रकार? सो विचारते हैं होती है, ये तो माना, कैसे होती है हमें तो ये बताओ कैसे हमें करनी है ना। तो उत्कंठा क्या है शिष्य की? तुम कह रहे हो तुम्हारी बात सिर माथे है प्रभु, लेकिन मुझे तो डिटेल बताओ कैसे होगी, मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी कैसे, उसे विचारते हैं। आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश कहा पाप परिणाम को, अशुभ परिणाम को, पाप बंध के कारण वाले परिणाम को, और विशुद्ध कहा शुभ को, पुण्य परिणाम को। लेकिन विशुद्ध को बहुत जगह पर शुद्ध में भी लिया है, विशेष शुद्ध, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ विशुद्धि संकलेश की अपेक्षा विशुद्धि, इसलिए यहाँ उसको विशुद्ध कहा। और शुद्ध जहाँ पर ना संकलेश है ना विशुद्धता है, ना पाप है ना पुण्य है, उस परिणाम को कहा शुद्ध। ये जो मैं एक हूँ ये चिंतन शुभ परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है, ये शुद्ध परिणाम नहीं है। परिणाम है, शुभ परिणाम है, इसके अभाव पूर्वक शुद्ध परिणाम होगा। नौवें नंबर पे, दस नंबर पे यदि शुद्ध परिणाम होना है पर्यायों के प्रभाव के क्रम में, यदि शुद्ध परिणाम दस नंबर पे होना है तो नौ नंबर पर ये नित्य हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अखंड हूँ, शाश्वत हूँ, ध्रुव हूँ, ज्ञायक हूँ, यही परिणाम होगा। और इसके पूर्वक, पूर्वक यानी इसके अभाव पूर्वक, इसका व्यय और शुद्ध परिणाम की उत्पत्ति, और तीसरी बात मैं कायम। उत्पाद व्यय ध्रुव लेना है ना बेटा, मैंने उत्पाद व्यय की बात ले ली, ध्रुव की नहीं ली मैंने, वो आपसे पूछा क्या तीसरा क्या? हाँ तो कायम ध्रुव, वो जो शुभ परिणाम था उसका व्यय शुद्धता और शुद्ध परिणाम का उत्पाद, और दोनों दशा में मैं कायम, मैं ध्रुव कायम, ठीक है ठीक है। तो उत्पाद व ध्रुव वो तीनों की सत एक रूपता, वो मैं हूँ, ये तीनों मेरे पार्ट हैं। उत्पाद भी मेरा एक अंश है, वे भी मेरा एक अंश है, उन तीनों को मिला के उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, मैं सत तो हूँ लेकिन तीनों के साथ हूँ, तब सत कहलाएंगे। देखो तो फिर से लेते हैं, संकलेश विशुद्ध और शुद्ध, वहाँ तीव्र कषाय रूप संकलेश है। तीव्र कषाय कहो, पाप कहो, अशुभ कहो, वो संकलेश किसी हिंसा का, झूठ का, चोरी का, पाप का, विराधना का, जिनवाणी की विराधना का, ये सब परिणाम संकलेश परिणाम है, तीव्र कषाय के परिणाम है, पाप बंध के कारण। मंद कषाय रूप विशुद्ध है, सत्य का, पूजा का,
स्वाध्याय का ये भाव संसार के कारण है, लेकिन मंद का शह रूप है, पूर्ण भाव रूप है। इनसे दोनों में शब्द आता है ना भाई जी, पहले से क्या होता है, पाप बंद, पूरा बोले पाप बंद, और दूसरे से क्या होता है, पुण्य बंद। तो बंद हुआ मुक्ति तो नहीं हुई, हमें बंद चाहिए या मुक्ति चाहिए? तो हम बात करते हैं मुक्ति की और टिक जाते हैं पुण्य बंद में, शुभ भाव में टिक जाते हैं, तो कभी मुक्ति नहीं होगी, इसके अभाव पूर्वक होगी। रात्रि के अभाव पूर्वक दिन निकलेगा, रात्रि से नहीं निकलेगा, नियम से उसके अभाव पूर्वक निकलेगा। वो जाएगी वो आएगी, वो जाएगी वो आएगी, दिन जाएगा रात आएगी, अभाव पूर्वक आएगी, लेकिन दिन रात नहीं होगा, रात दिन नहीं होगा। वो जो शुभ परिणाम है वैया व्रत का, पंचमहाव्रत का, 28 मूल गुण का, व्रतों के पालन का, श्रावक दशा में सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का, सात तत्व के भेद रूप विचार का, वो सब शुभ परिणाम है, पुण्य बंध का कारण है। और जैसा वो तत्व का विचार किया उसमें टिक गया, ये मैं, वो विकल्प खत्म हो गया, वो शुद्ध परिणाम, शुभ अशुभ से रहित वो शुद्ध परिणाम है। वो जिसका मैंने विचार किया ऐसा मैं हूं या नहीं, अगर हूं तो मैं वहां पहुंच क्यों नहीं रहा हूं, इस विकल्प में, इस आकुलता में क्यों टिका हुआ हूं? ये विकल्प मात्र तो मैं नहीं हूं, ये विकल्प तो नष्ट होने वाला है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, वो जो हूं उसे क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूं? ये हूं इसके विकल्प में तो आ गया, ये पक्ष कहा है? उसमें कहा है अशुभ का पक्ष, तो गुरुदेव ने बहुत 19 कलश में कहा है, उसको तो छोड़ा, अनेक बार छोड़ा, लेकिन दूसरे पक्ष में, शुभ के पक्ष में, निश्चय के पक्ष में, पक्ष नहीं चाहिए, निश्चय तो चाहिए, निश्चय का पक्ष नहीं चाहिए, व्यवहार भी व्यवहार की तरह से निश्चय है, वो पक्ष नहीं चाहिए। मंद कषाय रूप विशुद्ध है तथा कषाय रहित शुद्ध है, वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि भाव कर्म हैं उनकी, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंद होता है। मेरा स्वभाव क्या है इसके अंदर से बात कर रहे हैं, वीतराग विज्ञान, ये जो मेरा स्वभाव है इसका घात किससे हो रहा है? घाती कर्म से, ज्ञानावरणादि घाती कर्मों से। तो ज्ञानावरणादि घाती कर्मों का अभाव होना ही मेरे स्वभाव को खिलने का कारण है, लेकिन उन कर्मों का संक्लेश परिणामों से मेरे जो अशुद्ध, अशुद्ध दोनों परिणाम दो तरह के कह सकते, तीन को दो में बांट सकते भाई जी, शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध के दो भेद कर सकते, संकलेश और विशुद्ध। तो उसमें से जो संकलेश परिणाम है उनसे उन कर्मों का तीव्र बंध होता है, क्लियर है ना, एक एक शब्द संकलेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है। किसका तीव्र बंध होता है? ज्ञानावरणादि कर्मों का। वो ज्ञानावरणादि क्या करते हैं? घात करते हैं। किसका घात करते हैं? मेरे स्वभाव को। मेरा स्वभाव क्या है? वीतराग विज्ञानता। बिल्कुल उल्टा पढ़ लीजिए, वीतराग विज्ञानता मेरा स्वभाव है, उसका घात होता है,
वो ज्ञानावरणादि कर्मों से होता है, वो कर्म का दोष नहीं है, मैंने ही अपने संकलेश परिणाम से उनको बांधा है। वो खुद आकर ये नहीं बोले कि मैं तेरे कर्म का, तेरे इसका स्वभाव का घात करूँगा, मैं बांध करके उन्हें आमंत्रित करके लाया हूँ कि आओ प्रभु पधारो, घात होता है, बंद होता है, विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद, बंद दोनों के द्वारा होता है, उससे मंद बंद हुआ, उससे तीव्र बंद हुआ, कि ले तो चलेंगे जेल, सोने की हथकड़ी पहनाए या लोहे की पहनाए, कस के बांधे रस्सी या थोड़ी ढीली बांधे, पकड़ के ले जाएंगे, हाथ पैर नहीं हिलाने देंगे, बंद होता है। तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो, ये इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि हमने तो बहुत पाप किया पहले, अब हमारा तो निस्तारा हो ही नहीं सकता, तो यह कहते प्रकृति ने इतने अवसर दिए हैं, इतने लोहड़िया जी इतने अवसर दिए हैं, कल्पना नहीं कर सकते। आयु कर्म का बंद दो तिहाई बीतने से पहले होता नहीं, महा तक के तो तुझे माफ कर दिए, चल अगर 66 साल उम्र है तो 44 साल तक जो तुमने किया उसमें आयु कर्म नहीं बना। अगला 8 उसके क्या बोलते हैं, है जी त्रिभाग, 8 त्रिभाग मालूम कहाँ है, हैं मालूम कहाँ है, मालूम कहाँ रहता है कि 66 साल है। नहीं नहीं, इसलिए ये कहा है हर समय प्रत्येक समय अपने परिणामों की संभाल रखना, परिणाम सब तेरे परिणामों से ही बंधे हैं, पहले तो किसी और ने आके नहीं बांधे, और कर्म खुद इच्छा पूर्वक आए नहीं, चूंकि उनमें इच्छा है नहीं, उनमें राग द्वेष है नहीं, तो तेरे परिणामों से बनते हैं। लेकिन अगर नहीं बंधे हैं, अगर नहीं बंधे हैं तो आगे तो चेत जा, अब तो चेत जा, पिछले में जो हो गया हो गया, फिर अगला अवसर, अगला अवसर, ये इसको छोड़। हाँ नहीं बहन जी, ये नहीं कहा मैंने, कहा आयु का बंध, मैंने आयु, सुनिए सुनिए, कि जो तुझे जाना है, जहाँ तुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु का संयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो तेरे हाथ में हो गया ना, वो जो पाप का बंध तो पार्श्वनाथ पे भी आया ना उदय, उसकी इनकार नहीं है, वो जो बंध हुआ, जो बंध हुआ उसका भी अगली लाइन के अंदर अब निस्तारा बता रहे हैं। पहले तो उस समय तक जो बंद हुआ वो कर्म आयु का बंद नहीं हुआ, यानी तुझे किसी गति में जाने से रोक नहीं रहा, देव और मनुष्य में तू जा सकता है, सच्चे देव गुरु शास्त्र का सहयोग पा सकता है, ठीक है। नंबर 2, अगर तू नरक में भी गया तो महावीर जाति स्मरण से जो तेने सुना था या देखा था उसके ज्ञान में आ सकता है, सम्यक ले सकता है, त्रियंच भी ले सकता है, देव भी ले सकता है, अगर कुअवधि भी है तब भी ले सकता है। अगली बात, अगली बात, अभी अगली बात जो इसकी लाइन में आएगी, संकलेश परिणाम से तो उनका तीव्र बंध होता है, और विशुद्ध परिणाम से बंध तो होता है लेकिन मंद बंध होता है, लेकिन देखिए अगली लाइन उसी में पढ़िए, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो, वर्तमान के परिणाम, उस समय के नहीं, इस समय यदि तेरे विशुद्ध परिणाम शुभा प्रबल यानी बहुत तीव्र हैं, मंद कषाय बहुत अति मंद कषाय है, तुझे बहुत भक्ति का भाव उमड़ा है, सच्चे आत्मा के लक्ष्य से जिनवाणी को पढ़ने का भाव हुआ है, दिखाने के लिए नहीं, बड़ाई के लिए नहीं, महत्ता के लिए नहीं, वो तो संकलेश परिणाम में चला जाएगा। यदि मंद उदय हुआ है, अगर तुझे विशुद्ध परिणाम हुआ है तो
पूर्व काल में जो तीव्र बंद हुआ था, जो पहले जो हुआ था, उसको भी मंद करता है। वो जो पूर्व में जो बंद हुआ था, जिसकी स्थिति और डेंसिटी, क्या बोलते हैं उसे, अनुभाग, उसको हीन करता है। एक बात अभी और भी है, अगर वो विशुद्ध परिणाम और तीव्र है तो उस पाप परिणाम को बदल कर पुनः रूप कर सकता है, संक्रमण कर सकता है, संक्रमण जो पिछला बना था। लेकिन उल्टा, यदि तुझे पाप का परिणाम तीव्र है तो जो पिछला पुण्य बंधा हुआ था उस पुण्य को मंद कर सकता है और पाप को तीव्र कर सकता है, और बहुत तीव्र है तो पुण्य परिणाम को बदल के पाप में कर सकता है। और 99.99% सुधीर जी, पुण्य परिणाम को पाप में ही कन्वर्ट होता है। बताएंगे कैसे? मैं कोई कर्म शास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं, करना नहीं होगा, बहुत छोटा सा बात है, आपको भी मालूम है, इस विकल्प में नहीं आई आपकी, वरना आपको मालूम है। पाप कर्म बनता है 20 कोड़ा कोड़ी चक्र का, पुण्य बनता है 10 कोड़ा कोड़ी चक्र का। बात समझिए भाई, और पुण्य का उदय जो आता है वो अधिकतम 2000 सागर है। कितना? 2000 सागर। साधिक 2000 सागर। साधिक कहा, 2001 सागर नहीं कहा, साधिक 2000। 2000 से कुछ ज्यादा, 2001 से कम, वरना तो 2001 कह देते। इसको पुण्य का काल कहा, जो त्रस में आया ना, दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तनी, उसे कहा शुभ का काल। जो चावल का कीड़ा है वो शुभ का काल है, त्रस पर्याय हुए इस अपेक्षा से। लेकिन त्रस का मैक्सिमम काल कितना है? तुम साधिक को भूल जाओ, 2000 सागर। उन 2000 सागर में 1360 सागर स्वर्ग के, वैमानिक के भाई साहब, यहाँ ये नोट कर लेना आपने, और 640 सागर नरक के। 2000 खत्म हो गए भैया, 2000 बचे कितना? एक नहीं बचा बेटे, साधिक, कुछ कम का भी नहीं पता, साधिक, कुछ अधिक, साधिक कुछ उससे अधिक। उसके अंदर क्या क्या चीज बची है? अभी पूरा त्रियंच, भोग भूमि, कुमानुष, मनुष्य गति, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, तीनों का द्रवलिंग, उसके अलावा भवंत्रिक के देव, ये सब आ गए साधिक में। और ये साधिक 2000 सागर भोगने का नियम नहीं है, एक अंतर मुहूर्त में वापस जा सकता है, लेकिन अगर भोग सकता है तो अधिकतम 2000 सागर, साधिक 2000 सागर त्रस पर्याय को भोग सकता है। उस त्रस के अंदर देव भी त्रस है, संगी पंचेंद्री है, नारकी भी है, भोग भूमि भी है, कुमानुष भी है, मनुष्य भी है, भवंत्रिक के देव भी है। नरक और देव तो निकाल दिए 2000 सागर में, उसका काम अब साधिक के अंदर ये बाकी सब रह गया। और तेने पुण्य बांधा था 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, 10 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागर, ये तो एक सागर, और ये एक सागर भी नहीं है, आप समझ गए ना? क्या होगा उसका जो पुण्य का उदय आया, वो पाप में कन्वर्ट हो जाएगा और तू निगोद में चला जाएगा, एक इंद्रिय स्थावर में चला जाएगा, पृथ्वी वो क्या है,
निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। बस यहाँ चला जाएगा, पेड़ हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, अग्नि काय जल काय वायु काय हो जाएगा, अनंत काल निगोद में निकल जाएगा, अनंत काल वहीं पे जन्म मरण वहीं जन्म मरण करता रहेगा। और ये मैंने अनंत बार ये दुख उठाया, वहाँ से निकल के नित्य निगोद से आया हूँ, ये कुछ बहुत बड़ा बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। तो इतना कन्वर्जन हो सकता है भाई जी? ये सब मेरे भावों पर निर्धारित है, और शुद्ध परिणाम से पुण्य पाप दोनों की निद्रा हो जाएगी। दोनों बातें सुधीर जी, ना तो पुण्य को भोग सकता इतना काल नहीं है, और ना पुण्य को लेके जा सकता। पुण्य से मिली सामग्री को लेके चले जाओ नहीं जाएगी। वो जो सामग्री देखने में आ रही है ये पुण्य को जलाकर मिली है। जलाकर का अर्थ समझ गए? खत्म हो गया। जलाकर का अर्थ समझ गए? पिछला पुण्य बंधा था वो खत्म हुआ तो ये सामग्री मिली है। भोगना ना भोगना तो वो तो अपने पे है, सामग्री मिली है, सामग्री का क्षेत्र क्षेत्रांतर हुआ है, उस सामग्री में इष्टपना माना तो वो सातावेदनी हो गया, और उसी सामग्री में अनिष्टपना माना तो वही सामग्री असातावेदनी हो गया। ये जीव विपाक की प्रकृति है। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया ना, बहुत बार, ये मेज पढ़ने के काम आ रही है, मुझे अच्छी लग रही है, ये सातावेदनी है, और खड़ा हुआ पैर टकराया हड्डी टूट गई तो ये मेज असातावेदनी का कारण हो गया। मेज तो मेज था। इसमें टोडरमल जी ने कहा है, किसान के घर गया जहाँ बेटी ब्याही थी और कुमार के गया, एक ने कहा बारिश हो जाए, एक ने कहा बारिश ना हो, बारिश तो बारिश है, उसे उसने सुख का कारण माना, उसने दुख का कारण, वो साता साता वेदनी का कारण होगा। सामग्री तो सामग्री है, वो सामग्री आई है, सामग्री से कष्टिष्ट नहीं है। कोई ऐसा कर्म नहीं है जिससे तुझे वो सामग्री सुख दुख दे रही हो, तेरे भावों से है, तेरे भावों पर डिपेंड। वही बेटा वही बहू वही पत्नी बुरी लगने लगती है, वही अच्छे लगने लगते हैं, जिनके लिए जान दे रहा था, मरने को तैयार था। बहुत विचित्रता है भाई जी। शुद्ध परिणाम से दोनों का निर्जा होती है। पहली बात, जो बंध का जो उदय आया है वो तो नियम से निर्जरा के लिए ही आया है, निर्जरित ही होगा, लेकिन उसके उदय के काल में तू उससे अगर जुड़ा, यानी तैने विकार किया, तू उससे अपना इष्टनिष्ट बुद्धि की राग द्वेष किया, तो नया बंध होगा, तो उस निर्जरा को बंध कहने में आएगा। जितना निर्जरा हुई उससे ज्यादा बंध हो गया, जिसे कहा ना गज स्नानवत, बंध हो गया। और वरना वो जो कर्म का उदय आया है वो तो अगले समय निर्जरित होना ही है, वो तो निर्जर एक समय के लिए निर्जरित होना ही है, अगले समय खत्म होने आया है। तेरा कर्ज चुक रहा है महा तक का, तू नया कर्ज ले या ना ले ये तेरे ऊपर है। तू अगला पाप कर तो तेरे ऊपर और कर्म का बंध आएगा, तू मत कर तो नहीं आएगा। क्या टाइम हो गया भाई? थे गया? एक सेकेंड। घातक जो ज्ञानावरण आदि घाती कर्म है उनका संकलेश पणदार तीर बंद होता है, विशुद्ध परिणामों द्वारा मन बंद होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में तीव्र बंद हुआ था उसका भी मंद करता है, उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंद नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। दोनों